नौशहरा में एक भिखारी महिला जो पिछले कई सालों से नौशहरा में रह रही थी और भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। कल से वृद्ध आश्रम वाले रजौरी वृद्ध आश्रम में ले गए, मगर जब उसकी झुग्गी झोंपड़ी में म्यूनिसिपैलिटी कमेटी साफ सफाई करने पहुंची तो उसकी झुग्गी झोंपड़ी से लाखों रुपए निकले जो उस भिखारी महिला ने भीख मांग कर इकट्ठे किए थे। पे नोटों की गिनती हो रही है क्योंकि 10-10, 5-5 और 1-1 रुपए के नोट सिक्के भी उसमें मौजूद हैं, तो इसलिए उनको जो है गिनती करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उस भिखारी महिला ने कितने ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए थे भीख मांग के। हालांकि हम आपको दृश्य जो ये दिखा रहे हैं तस्वीरों में इसमें साफ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं इसकी गिनती अभी तक जारी है। हालांकि अभी तक पूरे पूर्ण तरीके से पता नहीं चला कि उस भिखारन महिला ने कितने पैसे इकट्ठे किए थे, गिनती अभी भी चल रही है। किसान निकला कर रहे नोट करता हूँ। जो मीडिया ने ये लाइव खबर चलाई, बड़ा अच्छा किया आपने और अच्छा लगा हमें ये आपने खबर चलाई। पूरे लोगों ने देखा है, पूरी हिंदुस्तान पूरा देख रहा होगा ये खबर, और अच्छी बात है, इंसानियत है मीडिया की तरफ से। मैं सर यहाँ से एक यहाँ एक महिला बुजुर्ग रहती थी, वो बेचारी यहाँ 30 साल से रहती थी। कल उसको यहाँ से एक टीम आई रजौरी से, वृद्ध आश्रम में उठा के उसको ले गए हैं। तो फिर क्या किया कि म्यूनसिपल्टी की ड्यूटी लगी कि जहाँ ये रहती थी इसकी साफ सफाई करके जो भी कचरा कुचरा उठा के गाड़ी में डाल दो। तो जैसे हमारी म्यूनसिपल्टी के 2-3 बंदे आए, तो जब उन्होंने शुरू किया कचरा उठाने शुरू जब किया, तो काम तो लिफाफों में से, जब उन्होंने लिफाफे खोले तो लिफाफों में नोट निकलना शुरू हुए। पहले उन्होंने एक क्रेट भरा, फिर दूसरा क्रेट भरा, 3 क्रेट पैसे भरे, एक बोरी में उन्होंने चिल्लर भरा। चिल्लर की भी जो वेट था वो 60-70 किलो के करीब करीब था। तो जब वो देखने लगे सारा, तो फिर तहसीलदार साहब भी आ गए, ADC साहब भी आ गए मौके पे, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जो वार्ड मेंबर जो यहाँ के हैं, सानी साहब, कोहली भी और बख्शी साहब भी, सब आ गए इकट्ठे। फिर ये पूरा सिस्टम चलता है कि आपके माध्यम से ये पूरी कार्रवाई हुई है। आपने अभी दिखा दिया पूरा कि यहाँ जो पैसे की गिनती हुई है निगरानी में हुई है, और पूरी टीम बनी हुई थी, एक टीम बना के छोड़ी थी उन्होंने, इस पैसे का जो है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और अच्छी तरीके से ये पैसा जहाँ भी जाएगा अच्छी तरीके से जाएगा। मेरा कहने का ये है कि जो माई जी ने इकट्ठा किया था ये पैसा पूरा मैनेजर से इकट्ठा किया था उसने, कोई 2 नंबर का नहीं, कोई फ्राड़ी पैसा नहीं है। इसको गाँव से भी लोग आते थे देने के लिए, जो भी निकल के जाता था हर बंदा इसको 10 और 20 रुपये दे के जाते थे, और 30 साल की इसने मेहनत इकट्ठी करके आज ये 2,60,000 के करीब करीब उसके पैसा ये निकला है। तो मैं तो कहता हूँ पहला नंबर तो उसी को देना चाहिए, अगर उसके परिवार का कोई रिलेशन में है तो उसको देना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट सोचे भी ये पैसा कहाँ डालना है, किसको देना और कैसे इसको यूज़ करना है। जय हिंद जय भारत। ये यहाँ पे कल जैसे कि ओल्ड एज जो है रजौरी की तरफ से यहाँ पे कुछ एक टीम आई और वो इस महिला को जो यहाँ से उठाकर ले गए, वो चले गए ओल्ड एज के लिए, और वो महिला जो है बार बार अपने सामान को हाथ लगा रही थी। तो जैसे ही हमारी म्यूनसिपैलिटी की टीम वहाँ पर पहुँची, जब उन्होंने सामान उठाना शुरू किया तो उसमें से कुछ सिक्के गिरे, तो जब सामान की तलाशी शुरू हुई तो छोटे 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 पैकेटों में कुछ कुछ, किसी में 500, किसी में 1,000, किसी में 300, किसी में 200, इस तरह के पैकेट निकलने शुरू हुए। जब हम उनको गिनते गए, हमारी टीम जो गिनती गई, तो पैसे वो काफ़ी ज़्यादा थे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया, मौके पर ही हमारे ADC सुखदेव सिंह समयाल, हमारे तहसीलदार जो हैं राजू समयाल जी, हमारे SHO जो है पंकज शर्मा जी, हमारी सारी टीम जो है वो यहाँ पर आ गई। यहाँ के जिस वार्ड में वो थी, यहाँ के पार्षद सरदार सुरजीत सिंह जी, हमारे जो विजय बख्शी जी हैं पार्षद, तो सारी टीम जो है हम यहाँ मौके पर आ गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हमने गिनती शुरू कर दी। पिछले 2.5 घंटे से छोटे छोटे कुछ चिल्लर हैं, 5 के, 10 के, 1 के, 2 के, 5 के, 100 के, इसके हर किस्म के छोटे छोटे नोट हैं, और वो बड़े ऐसे कुछ कुछ नोट जो हैं जल पानी में सड़ गल के बर्बाद हो चुके हैं, वो अलग अलग से गिनती जारी है। पिछले 2.5-3 घंटे से हम लोग जो है वो पैसा गिन रहे हैं, अभी तक लगभग जो है सिक्के डालकर 2.25 लाख तक हमने गिन लिया है, अभी गिनती जारी है, अब देखते हैं ये कितने होते हैं।